दोस्तों, क्या आपने फ़ोन को हर 1.5-2 साल में आप सेल करते रहते हो? उसका दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो हो गया आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, जो कि सॉफ्टवेयर बहुत ओल्ड होता है, वो उसका जो अपडेट रहने का आपका जीबी बढ़ जाता है, जो कि आप ओल्ड फ़ोन में उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। अगर आपका यही रीज़न है तो आप सेल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों, आपका सेल करने की वजह दूसरा है, यानी कि हीटिंग प्रॉब्लम है, मोबाइल गर्म होता है, हैंग होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सही वक्त से आए हो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा वो आपका फ़ोन कितना भी घटिया क्यों ना हो, कितना भी ख़राब क्यों ना हो, अगर आपका फ़ोन गर्म होने का रीज़न से आप सेल करना चाहते हो तो मैं आपको आज सही तरीका बताने वाला हूँ। जो तीन गलती, जो ग्रैंड गलती, जो कि कॉमन गलती हर लोग करते हैं, तो ये गलती को हर लोग करते हैं लेकिन जानते नहीं कि ये गलती है। मैं आज आपको बताऊंगा और उस 3 गलती का आप सुधार देते हो तो दोस्तों, आपका फ़ोन कितना भी ख़राब हो, कितना भी हीटिंग करता हो, आपका बिल्कुल भी हीटिंग नहीं होगा, फ़ोन अच्छा चलेगा, प्रोसेसर अच्छा चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपको 2 साल में सेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और आपको ज़रूर कमेंट्स करना है कि मैं जो 3 गलती बताने वाला तो आप सबसे पहले कौन सी गलती करते थे बहुत ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा फ़ोन का अगर रैम 2GB है और हमारा जो है इंटरनल मेमोरी 64GB है, तो भी हमको जितना जीबी भी क्यों ना हो, हमको 20 से 30% तक हमारा जो है इंटरनल मेमोरी को स्पेस रखना है। ये तो सबसे पहला है आपको बताने वाला था। लेकिन दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते तो सबसे पहले आपको जाना होगा फाइल मैनेजर पर। दोस्तों, इधर मैं फाइल मैनेजर पर जाता हूँ। फाइल मैनेजर पे जाने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना होगा, फाइल मैनेजर पे जैसे ही आप आओगे तो उसका कुछ इस तरफ इंटरफेस आ जाएगा, लेकिन आपका अगर आप दूसरा मोबाइल है तो दूसरे हिसाब से आपका इंटरफेस आता है। आप किसी भी मोबाइल पे फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आप अपना जो है SD कार्ड को छोड़ के जो इंटरनल डिवाइस है, डिवाइस स्टोरेज है, वहाँ पर जा सकते हैं। जाने के बाद देखिए दोस्तों, कितना भी अननेसेसरी फाइल है, मान लीजिए आपने कोई भी एप्लीकेशन अभी भी डाउनलोड किया है, उसके बाद उस एप्लीकेशन को आपने अभी डिलीट कर दिया है, अपने फ़ोन में वो एप्लीकेशन है ही नहीं, फिर भी उसका कैचे फाइल आपके फ़ोन पे मौजूद होता है, जिसकी वजह से आपका टेम्पररी फाइल जो है बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से आपका फ़ोन गर्म होता है, स्पेस वो बहुत ज़्यादा खाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ढूंढना होगा वो कौन सा ऐसा जो फोल्डर है। देखिए, वीडियो डर मैंने पहले ही मतलब डिलीट कर चुका हूँ, फिर भी ये है, देखिए 8-10 MB का है, और सॉरी 80 MB का है, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ। ऐसे चुन चुन के आपको हर एक को डिलीट करना है, जो आपका फाइल मैनेजर को स्पेस बचा सके और आपका फ़ोन होने के जो गर्म होने का चांसेस है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। ये तो था पहला गलती जो आप करते थे, जो कि डिलीट नहीं करते थे, वो पहला आपका गलती है। उसके बाद आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद ये सबसे बहुत बड़ा गलती है, बहुत सारे लोग करते हैं ये वाला, जितना भी ऑफिसर भी क्यों ना हो वो यही गलती करता है। जाने के बाद दोस्तों, इधर आप देख सकते हो एक ऑप्शन है इधर 3 लाइन, आपको इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इधर सेटिंग का, ये वाला सेटिंग के जैसे ही क्लिक करोगे दोस्तों, आपका कुछ इस तरह से खुल जाएगा। इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप्स, या दोस्तों इस पर आपको ऑन करना हो। इधर आने के बाद आपको ये 3 जो कि मेन फीचर हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ओवर एनी नेटवर्क, इसका मतलब ये है आप अपने फ़ोन को अगर डेटा ऑन कर रखे हो, कोई भी अपडेट आता है एप्लीकेशन का, वो तो तुरंत अपडेट हो जाएगा। उसके बाद जो कि आपको नहीं करना है, उसके बाद जो कि ओवर वाईफाई ऑनलाइन, जो जब भी आपका वाईफाई ऑन होगा तो वही आपका उस टाइम ही आपका और जितना भी अपडेटेड होगा एप्लीकेशन वहाँ पर अपडेट होगा, तो ये भी आपको करना नहीं है। आपको ऑन करना होगा डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इधर आपको क्लिक करके ओके पे क्लिक करना होगा। ये अगर कर देते हो तो जितना भी आपका फ़ोन में अपडेट होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जब आपका मन चाहेगा कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, क्योंकि ऑटो अपडेट होने से बैकग्राउंड पे प्रोसेस लिमिट होता है, बैकग्राउंड पे रन होने की वजह से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होता है। 3 नंबर पर जो बात बताऊँगा दोस्तों, ये बहुत ही केयरफुली आपको देखना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। सेटिंग पे जाने के बाद आपको अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। बहुत सारे लोग को पता नहीं कि डेवलपर ऑप्शन कैसे ऑन करते हैं, मैं बताता हूँ। वीवो मोबाइल पे मोर सेटिंग होता है, मोर सेटिंग के जाने के बाद होता है, या फिर अपने अबाउट फ़ोन पे, आपके मोबाइल पे होगा अबाउट फ़ोन, तो उस अबाउट फ़ोन के जाने के बाद आप उसे
ऐसे ऑन कर सकते हो। तो आपको दिखा देता हूँ, यह अबाउट फोन है। तो अबाउट फोन पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ जाएगा बिल्ड नंबर या फिर सॉफ्टवेयर वर्जन, ये वाला आप देख सकते हो ये वाला। तो मैं इधर 7 टाइम ऐसे टॉच करता हूँ तो देखिए नीचे यू ऑलरेडी इन डेवलपर मोड, यानी कि मेरा डेवलपर ऑन है। मैं बैक करता हूँ, बैक करने के बाद नीचे देख सकता हूँ डेवलपर मोड मेरा ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, मैं इधर क्लिक करता हूँ, आप अपना ढूंढिए कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर जो टॉप में ये वाला है, आप इसे ऑन कर सकते हैं पहले, नहीं तो काम नहीं देगा। इसके बाद दोस्तों इसमें एक बहुत ऐसा सेटिंग है जो आपको करना है, अगर नहीं करोगे तो आपका मोबाइल गर्म होता रहेगा, कितना भी एक्सपेंसिव मोबाइल क्यों ना पकड़ लो आप। तो नीचे आ जाएगा, सबसे नीचे आ जाएगा, आने के बाद दोस्तों आपको एक इधर ऑप्शन मिलेगा ये वाला बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस सेटिंग का, तो आपको इधर क्लिक करना है। और क्या करना है मैं बताता हूँ, तो आप सबको नो करके इधर जो नो बैकग्राउंड प्रोसेस है बस इसको आपको ऑन कर लेना है, बस अब आपका खेल ख़त्म, यानी कि आपका जो भी सेटिंग है ये हो चुका है। इसमें अगर आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग होता है दोस्तों, इसको नो बैकग्राउंड जो प्रोसेस है आपको इधर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल बैकग्राउंड पे कभी रन नहीं करेगा। और फिर भी आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म होता है, हैंग होता है, चार्जिंग मतलब आपका बैकअप अच्छा नहीं है, फिर आपको एक और एक सेटिंग इधर कर लीजिए। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, इस तीनों को आपको ऑफ ऑफ करना। एनिमेशन जो यहाँ पर देख सकते हो एनिमेशन है, इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, एनिमेशन ऑफ इधर क्लिक कर कीजिए। उसके बाद नीचे देखिए इसको भी एनिमेशन ऑफ कीजिए, और नीचे भी देखिए इसको भी एनिमेशन ऑफ कीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपका मोबाइल कभी गर्म नहीं होगा, हैंग नहीं होगा। आप जितना भी चार्ज मतलब करते हो उस हिसाब से आपका चार्जिंग होगा और उस हिसाब से आपका बैकअप जाएगा। तो दोस्तों ये था 3 गलती जो आप करते थे। अभी आपको कमेंट्स करना है, नीचे बताना है कि आपने इस 3 गलती में से कौन सा गलती सबसे ज़्यादा करते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों आपको इस वीडियो को लाइक इतना करना है कि आपका मतलब एक बार तो लाइक करना है यार, प्लीज़ कर दो। और जो व्हाइट वाला ग्रे कलर है उसे ग्रीन करके छोड़ दो दोस्तों। थैंक यू, उस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।